तथा स्पर्म ना यूनिफ्लैजिलेटेड होता है, कैसा? यूनिफ्लैजिलेटेड है ना, यूनिफ्लैजिलेटेड होता है, बात किया ना उसे। अच्छा तो टेललेस, टेललेस स्पर्म किस में होता है? एस्पेरिस है ना, एस्पेरिस में स्पर्म कैसा होता है? टेललेस होता है, कैसा होता है? टेललेस। एस्पेरिस के स्पर्म में टेल नहीं पाया जाता है ना, क्लियर? ह्यूमन के स्पर्म में एक टेल पाया जाता है। और बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म किस में होता है? बाईफ्लैजिलेटेड, तो बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म किस में होता है? टोड में, किसमें होगा? टोड, टोड में बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म होगा, बाईफ्लैजिलेटेड। तो बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म किस में पाया जाता है? टोड्स में, किसमें पाया जाता है? टोड्स में पाया जाता है। इसका स्पर्म है ना, स्टेप इन द स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? स्टेप्स, तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना स्पर्म फॉर्मेशन में, जरा देखो बेटा ना। तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया होगा है ना, क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया, बात किया ना। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है ना? स्पर्मेटिड्स बनता है, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स से क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ, क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ। और इसी स्पर्मेटोजोआ को हम क्या करते हैं? स्पर्म, क्या करते हैं? स्पर्म, है ना। आप जरा देखो स्पर्मेटोगोनिया की बात करें बेटा, तो इसकी प्राइमरी क्या होती है? टू ईयर, क्या होती है? टू ईयर। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो इसकी प्राइमरी क्या होती है? टू ईयर। और यदि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो इसकी प्राइमरी क्या होती है? ईयर। और स्पर्मेटिड्स की बात करें तो इसकी प्राइमरी ईयर। और स्पर्मेटोजोआ की बात करें तो इसकी प्राइमरी ईयर होती है, क्या होती है? ईयर होती है, है ना, क्लियर। अब जरा देखो यहाँ पे टू ईयर है, यहाँ पे ईयर है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ होगा? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, कौन सा? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन का होगा। तो इसी को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ होगा, यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ होगा बोलो? यहाँ पे मियोसिस सेकेंड डिवीजन, कौन सा? मियोसिस सेकेंड। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इक्वेशनल डिवीजन, क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, डिवीजन इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इतनी बातें क्लियर है? यस। आप जरा देखो एक प्राइमरी एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने? एक। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, क्लियर। और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड्स बना? चार स्पर्मेटिड्स। और चार स्पर्मेटिड्स से कितना स्पर्मेटोजोआ बना बोलो? कितना? चार स्पर्मेटोजोआ, क्या बना? चार स्पर्मेटोजोआ, बात किया ना। बेटा इस तरह से हम कह सकते हैं है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस में दो स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से दो स्टेप होते हैं? एक होता है बेटा स्पर्मेटिडोजेनेसिस,